जिंदगी की दौड़ में दौड़ते रहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके अपने कहीं पीछे ना छूट गए हों। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है दुनिया। ख्याल मेरे थे कभी जो वो ख्याल खो गए, जो लोग अपने थे कभी वो अजनबी से हो गए। मिला है आज क्या मुझे जो झांकता हूँ वक्त में, वक्त संग पीछे मेरे यार सारे खो गए। अचानक अपनी नींद से जागते हुए आकाश ने बिस्तर छोड़ दिया। सुबह के 4 बज रहे थे। लॉकडाउन की वजह से चिड़ियों का शोर मोहल्ले के बाहर सुनाई दे रहा था। लंबे वक्त बाद वो इतनी सुबह में उठकर अपने मोहल्ले को देख रहा था। इन लॉकडाउन का दौर जब से शुरू हुआ है तब से न जाने कितने लोगों को फुर्सतों में बैठना आ गया है। वक्त की मजबूरियां हैं, नहीं तो आकाश भी ठहरता कहाँ था एक जगह पर। उसके अपने लोग, अपने फैंस, कम उम्र में ही एक अलग दुनिया को जिया था उसने। कभी सोशल मीडिया का चमकता हुआ सितारा आज अपने फोन से कई दिनों से दूर बैठा हुआ था। उसे परवाह नहीं थी आज की कितने नोटिफिकेशन आए, कितने लोगों ने उसे मैसेज किए, कितने लोगों ने उसके कहे रैप को लाइक, कमेंट और शेयर किया है। वो तो बस शून्य में देख रहा था, पिछले वक्त को याद करते हुए, पीछे छूट गए दोस्तों को याद करते हुए। मेरे यार ही तो हैं पहचान मेरी, घर में जिंदगी हूँ तो है ये जान मेरी। इनके साथ है जीना, इनके साथ ही है मरना, इनके साथ मैंने सोचा सारी जिंदगी बिताना। अपने शहर के एक चौक पर दोस्तों संग खूब रैप किया करता था आकाश। उसके दोस्तों ने उसे एके नाम दिया था। जब दोस्तों का साथ जिंदगी में होता है तो जिंदगी कोई मुश्किल पहेली नहीं लगती। ये आपके वो अपने हैं जिनसे खून का रिश्ता तो नहीं होता लेकिन उससे कम भी नहीं होता। आकाश के दोस्तों ने एक दिन उसका सोशल मीडिया अकाउंट बना दिया। लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। तब इस देश में लोगों को घर पे बिठाने वाली बीमारी नहीं आई थी। लोग सुबह दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और जिंदगी के जरूरी कामों के लिए भागते थे और शाम होने पर घर के लिए। आकाश थोड़ी अलग जिंदगी चाहता था। उसे नहीं पसंद था आम रहना। लोग उसे लिखने लगे कि वो सबसे शानदार आर्टिस्ट है और ये बात उसने मान भी ली। ये तारीफ कितनी अजीब चीज है ना, इंसान को उसके खुद की नजरों में ही खास बना देती है। आकाश को लगता था अब वो सेलिब्रिटी है और उसके दोस्त मुफ्त में फेम लेकर जाते हैं। गलतफहमी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अगर हो जाए तो वो उसके अंदर के इंसान को खत्म कर देती है। इधर सोशल मीडिया पर आकाश को सुनने वाले दोस्त बढ़ते जा रहे थे और उधर उसकी असल जिंदगी के दोस्त उससे दूर होते जा रहे थे। सफलता नाम की चिड़िया बहुत चंचल होती है। लोग इसे पा तो लेते हैं लेकिन पिंजरे में रख नहीं पाते। इसके साथ आपको उसी रफ्तार से उड़ना होता है और अपने पांव जमीन पर रखने होते हैं। आकाश कभी लाइव आता फेसबुक पर, कभी इंस्टाग्राम पर तो कभी यूट्यूब पर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एके आकाश और आज मैं आपको एक नया रैप सुनाने वाला हूँ। लोग उसको प्यार करते और वो भी अपने उसी अंदाज के साथ आगे बढ़ता रहता। ये सोशल मीडिया के जो फॉलोअर होते हैं ना, ये आपकी हिम्मत होते हैं, लेकिन कभी कभी ये हिम्मत आपकी जिंदगी के रास्ते को बदल भी सकती है। घमंड आने लगा था आकाश के अंदर। अगर कोई दोस्त या घर वाले उसे कुछ कहते तो वो झल्लाने लगता। उसे लगता था क्या कह रहे ये लोग, समझ क्यों नहीं आता यार इनको, मुझसे ज्यादा थोड़ा जानते हैं, अरे मुझ जैसा कुछ मिला होता तो समझ पाते। ये सवाल बार बार उसके मन में आते और धीरे धीरे उसकी जबान पर भी। ये जबान ही तो है जो आपके हजारों अपनों को एक साथ जोड़ सकती है और यही जबान है जो आपके रिश्तों को भी खोखला कर सकती है। पुराने दोस्त जब बिछड़ गए तो आकाश को एहसास हुआ वो एक ही बनते हुए अपने अपनों को भूल आया है। कई दिनों के खालीपन के बाद उसने फिर से लिखना शुरू किया। हुई जो गलती मुझको माफ करना यार हो तुम, बिन तुम्हारे खाली हूं मैं याद रखना यार हो तुम जो साथ हो तो सारी दुनिया अपने कदमों में, तुम नहीं तो यार फिर डर लगे तन्हाई में। उसने फोन उठाया और सारे दोस्तों को एक साथ सॉरी लिखकर भेज दिया। वो जानता था यार साथ होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसका हैशटैग था दुनिया। सुनते रहिए रेडियो सिटी, मेरा नाम है पंकज जीना।